अनन्या की परवरिश भले काल्लोक में हुई हो, लेकिन अनन्या में काल्लोक की बुराई का एक अंश भी नहीं है। इसने हमेशा से धरती लोक पे विवान की मदद की है और काल्लोक में तिमनासा का अंत करने के लिए दोनों बालवीर की मदद की है। अनन्या और विवान दोनों में अच्छाई और सच्चाई का रक्त बह रहा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनन्या सच्चाई और अच्छाई की साथी है और एक परी बनने की पूरी अधिकारी भी। अब मैं शौर्य की आज्ञा से परितारा और पांचों तत्वों को आह्वान करके अनन्या की परी बनने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। परितारा और पंच तत्व के आशीर्वाद के साथ बालवीर भी आपका साथ देने का वादा करता है। अनन्या, पूरा वीर लोग तुम्हें परी बनने की बधाई दे रहा है और स्वागत करता है। थैंक यू। निशाना तो हमेशा रेख का गलत लगता है, तो आंखों की जांच रेख होनी चाहिए मछली की। अरे ऐसा मैं नहीं, मछली पूछेगी। अब अपने मैजिक से इस आविष्कार को कंप्लीट कर दो। Oh,
लगा ही था तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। अरे लेकिन इस मछली की आंख से चश्मा बनाने की जरूरत क्या थी? सब पता चल जाएगा ब्रिगेंसा, और सब मिस्टर बी के स्मारक से इसमें डेड पावर एलिमेंट जुड़ जाए, फिर यह आविष्कार पूरा हो जाएगा। डेड एलिमेंट? हाँ, बालवीर भी मरकर वापिस आया है, तो ये आविष्कार मैजिकली बालवीर पर वर्क करे, इसके लिए हमें ऑलरेडी डेड पावर का एलिमेंट इस चश्मे के साथ ऐड करना होगा। मिस्टर बी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है, और इस बार आपको मेरी आंखें बनना होगा। मिस्टर बी, मुझे आपका पावर एलिमेंट चाहिए। हो गया, चलो आप घर चलकर सो जाओ। तुम्हें चश्मे की नहीं नींद की जरूरत है, ताकि कोई पूरा हो सके ऐसा सपना देख सको। सपने नहीं, अब मैं इस चश्मे से बालवीर को देखूंगा, और सिर्फ देखूंगा ही नहीं, उसे सुनूंगा मैं, और उसे छू भी सकूंगा। लेकिन इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान फेल नहीं करने दूंगा। वो मुझसे दो कदम आगे सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो इनविजिबल था, लेकिन अब अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझसे नहीं बच पाएगा। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है, क्या मैं सच में परी बन गई हूँ? यस दीदी, अब आपका वीर लोग का आईडी कार्ड भी बनेगा। बालवीर? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वेरी फनी। वैसे तो परी बनने का काम बहुत जिम्मेदारी का है, बट मुझे बच्चों जैसे बिहेव करने का मन कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। बाल परी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चिल्ला सकती हूँ? दीदी, उछलना तो बनता है, आखिर हमारा सेम ब्लड ग्रुप जो है। अनन्या की परी बनने की खुशी में मैं भी गोला खा ही लेता हूँ। वाह, क्या स्वादिष्ट गोला है। दूसरा फ्लेवर। मजा आ गया, अब आत्मा हूं तो भूख तो लगती नहीं। भूख, भूख से याद आए माँ के हाथ का खाना। चलो कोई नहीं, घर जाकर माँ के हाथ के खाने की खुशबू तो ले ही सकता हूं, उसी से अपना दिल भर लूंगा। अरे इस चश्मे के साथ गारंटी कार्ड लेकर आए हो क्या कि बालवीर की आत्मा से मिलन यही होगा तुम्हारा? नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहीं कहीं है तो मैं उसे यहाँ आने पर मजबूर जरूर कर दूंगा, और फिर इस ग्लासेस की हेल्प से उसे देखकर ये कंफर्म भी हो जाएगा कि भारत नगर वालों की हेल्प करने वाला दोस्त कोई और नहीं बल्कि बालवीर है। अरे लेकिन बेवकूफ, बनाओगे कैसे उसे कि वो आए यहाँ पर? बेवकूफ? बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हैं तो उनकी मदद किए बिना मानते ही नहीं। वैसे ही ना, जैसे बुराई के साथ ही मार खाकर भी मानते नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। चिंटी, चोरी का माल खाने में ना मजा ही कुछ और है। बट भैया, अभी तक तो खाया ही नहीं है, फिर कैसे मजा आएगा? अरे बिना पैसे दिए खा रहे ना चिंटी, तो मजा तो आएगा ही। खा 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 खा। हे,
अब अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहाँ है तो वो चिंटू और चिंटी की हेल्प करने जरूर आएगा और फिर मैं इन ग्लासेस से उसे देख लूंगा। आजा आजा बालवीर सामने आजा। Thank you so much. लेकिन बालपरी, मेरी शक्तियाँ क्या है? क्या मैं उड़ सकती हूँ? या फिर पानी पे चल सकती हूँ? या फिर आग लगा सकती हूँ? तूफान ला सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? खुद करके देख लो। ओके। अनन्या, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करो, अपने दिमाग को एकाग्र करके उससे वो कहो जो तुम करना चाहती हो और फिर देखो। मैं उड़ना चाहती हूँ। आप अपने दिमाग को अपने परों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर वो आपको वहां लेकर जाएंगे जहां आपको जाना है। अब ये मेरी सुनेंगे? बिल्कुल, आपके पर है तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। ओके। दीदी, बालवीर, उसे अपने पैरों पर खुद खड़े होने दो। आपका मतलब मैं उन्हें अपने पैरों पर खुद उड़ने दूं? से बच्चों जैसे एक्साइटमेंट दिखाओ। हाँ, ये दीदी, कॉन्ग्रेट। थैंक यू। अनन्या, पहली उड़ान की बधाई हो। बधाई हो अनन्या, परी उड़ान के लिए बहुत सारी बधाइयां। अब बाल परी, शौर्य का परी आवाहन कब तक पूरा होगा? बस अब आह्वान पूरा होने ही वाला है और परियां वीर लोक में वापस आ जाएंगी। वाह बाल परी, ये तो काफी अच्छी न्यूज है। काश दीपू भी अभी यहाँ होते। सच में, काश आज दीपू यहाँ पे होता और ये सब कुछ देख पाता। चोरी की गोले हैं तो अंजाम तो यही होना था, लेकिन मुझे चिंटू चिंटी की मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर ये गोला ज्यादा देर तक अटका रह गया तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मतलब ये बालवीर ही है। इस बालवीर आके फंसेगा तो मेरे ट्रैप में। भगवान जी, मुझे प्लीज इन बच्चों की हेल्प करने दीजिए। अब मैं जानता हूँ ये बच्चे शैतान हैं, लेकिन ये तो अभी अकल के कच्चे हैं।
और हम तो समझदार हैं, और हमें इन बच्चों से प्यार भी तो है। अब अगर ये गोला इनके गले में ज्यादा देर तक अटका रह गया तो प्लीज। नहीं, अगर गोला नहीं खा रही हाँ चिंडी, चल घर चले। लेकिन इस बालवीर को अकल नहीं आई, कितनी आसानी से मैं ट्रैप में फंस गया। परितारा के आशीर्वाद से और शौर्य की आज्ञा से मैं ज्वाला परी और वायु परी को अपने सजीव रूप में वीर लोक आने का आह्वान करती हूँ। इस सुनहरी रेत की मदद से परियां अपना नया रूप चुन सकती है। परितारा, कृपया मदद कीजिए परियों को अपना नया रूप चुनने में। परी, दोनों परियों ने अपना रूप क्यों बदल लिया है? नया युद्ध, नया रूप। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही हमें इस रूप में देखने की आदत हो जाएगी। हाँ, रूप नया है लेकिन शक्तियाँ वही। बालपरी, पानी परी कहाँ है? दीदी, पानी परी किसी काम से दूसरे लोक में गए और अब वो वापस आ रहे हैं। पानी परी मिली है नए रूप में वायु परी और ज्वाला परी से। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने आप सभी को बहुत याद किया। विवान, बड़ा बालवीर कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो बता दो कि दिखा क्या बालवीर? अरे इतना तो बता दो कि बालवीर ऊपर से नीचे आने के बाद कैसा दिखता है, मतलब लंबे दांत है, डरावना चेहरा है। अरे
पास जाऊं कि नहीं, मतलब मतलब मारेगा या डरेगा तो नहीं? हाय बालवीर, तुम्हारे ठीक पीछे। ये मुझे सच में देख पा रहा है या कोई चाल चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है? जी जी। ओ, मतलब तुम मुझे देख सकते हो। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंत समय पर तुम मुझसे मिल नहीं पाए। किसका? मेरा। ध्यान से देखो बाल, अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो, तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। देखूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।